हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 138 की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। सो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, आप कैसे मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले इसका जो शॉर्ट ओवरव्यू हम कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी हुई है, आप कौन कौन ये पोस्ट अप्लाई कर सकता है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको jobsgyan.in पे मिल जाएगी। इस साइट का लिंक है, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, टोटल 40 पोस्ट निकली हैं जी। और जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने डिग्री मांगी हुई है, इंजीनियरिंग कोर्स मांगा हुआ है। सो जिन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ है, जहाँ लास्ट ईयर में हैं वो कर रहे हैं, वो ये पोस्टें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें, मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। और वो अलग से आपको एज रिलैक्सेशन अलग से मिल जाता है। SC ST के लिए 5 साल का होता है और OBC के लिए 3 साल का हुआ। और उसके बाद सैलरी की हम बात करें, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 56,000 है और सिलेक्शन मोड आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। एप्लीकेशन, सबसे बड़ी बात तो यही है, अभी एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है, ऑल कैटेगरी वास्ते 0 फीस है। सो फॉर्म की हम बात करें, स्टार्टिंग डेट है 18 अप्रैल से स्टार्ट होंगी और 17 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो साथ में बेल आइकन आ रहा है उसको ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जो भी हम नई वीडियो लेकर आएँ उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट आप जहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपने कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपने पहले से कोई पोस्ट इस साइट पे फिल की है तो आपने, आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपके पास होगा, ठीक है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन भी आ रही है और फॉरगेट यूज़र नेम की हमारे पास ऑप्शन भी है। जो फॉरगेट यूज़र नेम है वो तो आपके मेल आईडी होती है, और जो पासवर्ड है जहाँ से आप इसको फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करने के लिए सबसे पहले आपके फॉरगेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ पे अपना यूज़र नेम फिल करेंगे, आफ्टर दैट जहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ से आपने जो रखा होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हम आंसर देंगे या फिर अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप नीचे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद जहाँ पे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके मेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और जो इस साइट पे नए आए हैं, पहले से कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल नीचे आएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप अपना, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इनरोलमेंट नंबर है, अगर आपने आधार कार्ड नया अप्लाई करवाया हुआ है और वहाँ पे एक इनरोलमेंट नंबर होता है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है ही नहीं, आपने अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर आप नन करेंगे। अभी हमारे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आप जहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम लिखेंगे, जो आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है, सेम नेम आपने यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। आपने आधार कार्ड वाला नाम नहीं लिखना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है आधार कार्ड पर नाम और होता है और आपकी जो 10th की मार्कशीट है उस पर आपका नाम और होता है, मिसमैच होता है, इसलिए आपने जो 10th की मार्कशीट है उसी के हिसाब से अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप अपना फादर नेम फिल करेंगे, मदर नेम हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जहाँ पे अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने ध्यान से फिल करना है, ठीक है, इसको, क्योंकि आपके पास पासवर्ड भी इसी नंबर पे और मेल आईडी के थ्रू ही आएगा। उसके बाद जहाँ पे हम इसको आई हेयर बाय पे क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट जहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद नीचे यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे।
और उसके बाद आपकी मेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां से आपने वेरीफाई कर देना है, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट टैब ओपन होगी, यहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई है और जो नहीं भरी है यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम मैरिटल स्टेट्स में अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये पोस्टें अनमैरिड ही फिल कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल में आप मैट्रिकुलेशन, टेंथ की बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने पास की है टेंथ क्लास, यहाँ से हम बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे अपना, जैसे स्टेट बोर्ड। उसके बाद जिन्होंने पंजाब से पास किया पंजाब सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे टेंथ की मार्कशीट का, उसके बाद हम इसका फाइल को अपलोड भी करना पड़ेगा हमें, टेंथ की मार्कशीट यहाँ से हम अपलोड करेंगे। सही जहाँ पे मेंशन किया हुआ आप चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबल क्वालिफिकेशन ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, पहले से मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप चेक कर लीजिए, उसी के हिसाब से आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल है और नीचे आएंगे हम जहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे आपने एक आंसर भी उसका देना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया पासवर्ड जैसे आप फॉरगेट करते हैं उसका, उसी टाइम सिक्योरिटी क्वेश्चन की हमें ज़रूरत पड़ती है। और नीचे हम पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड जनरेट आपने कैसे करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल और आगे स्मॉल लेटर डालेंगे, उसके बाद एक सिंबल और नंबर यूज़ करेंगे। नंबर यूज़ करने के बाद जहाँ पे पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा और नीचे हम जहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद नीचे सबमिट कर देंगे, सेव करेंगे इसको। यहाँ से सेव करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ को ओके करेंगे इसको हम। यू हैव टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, हमने यहाँ पे अपलोड करने हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे और आपकी एक सिग्नेचर है जहाँ से अपलोड करेंगे। और यहाँ से आप नीचे आएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे, इमेज जहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको साइज आपने कैसे बनाना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने साइज फ़ोटो का कम ज़्यादा करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, उस वीडियो को देखकर आप कर सकते हैं, नहीं तो वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो साइज है वो बनाकर सेंड कर दूँगा ओरिजिनल में। उसके बाद हम इसको करेंगे अपलोड। अपलोड करने के बाद जहाँ पे आपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपना अपलोड हमने पहले से किया हुआ है, जहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद इसको सेव करेंगे। और सेव करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी का जो पेज है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करेंगे, एक बार जो सारी इंस्ट्रक्शंस है ये रीड आउट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप जहाँ से नीचे आएंगे और अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और जो फोटोग्राफ है दोबारा से अपलोड करेंगे इसको, और जो आपके सिग्नेचर है वो सेम दोबारा से हम अपलोड करेंगे, क्योंकि पहले वो रजिस्ट्रेशन किया थे हमने और ये पोस्ट हम फिल कर लें इसीलिए हमें इसको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पे आप ऑप्शन आ रही है परमानेंट एड्रेस की, सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस जहाँ पे डालेंगे, नीचे हम अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड फिल करेंगे। और जो साथ में हमें ऑप्शन आ रही है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस की, जो प्रेजेंट एड्रेस है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां से हम इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो नीचे वाली ऑप्शन है सारी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, आपको फिल करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका अलग से एड्रेस तो आप मैनुअली उसको अलग से फिल करेंगे। उसके बाद आप जहाँ पे नीचे आएंगे टाइप ऑफ स्कूल, जहाँ पे अपना टाइप ऑफ स्कूल सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका स्कूल इनमें से नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप इसको अदर पे रहने देंगे, अदर पे रहने देंगे। और जो साथ में हमें ऑप्शन आ रहा है रोल नंबर का, उसके बाद हम प्लस टू का अपना रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे और नीचे अदर स्कूल में अपने स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अगर आप डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो यहाँ पे इसको क्लिक कर यस कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया तो यहाँ पर इसको आप नो रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आपने परसेंटेज डाल देनी है अपनी, प्लस टू की कितने परसेंटेज आपके नंबर आए हैं,
और उसके बाद जहाँ पे आप मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है आपने, कौन सी स्ट्रीम थी आपकी, और उसी के हिसाब से आप यहाँ पे साइट थोड़ी सी वेटी है इसीलिए टाइम लग रहा है, और नीचे आएंगे नोटिफाई इक्विवेलेंट स्ट्रीम अपनी सेलेक्ट करनी है, यहाँ से जो आपकी स्ट्रीम थी ना वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स, आपने ज्वाइन कब किया था कोर्स, उसकी डेट डालनी है। और उसके बाद जहाँ पे आपने कंप्लीट, जब आपने कोर्स कंप्लीट किया है उसकी डेट डालनी है। आफ्टर दैट जहाँ पे आप नीचे आएंगे नेम ऑफ द कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम आपने डालना है यहाँ पे, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर आपने यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पास आउट की है तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी डाल सकते हैं। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे हम नीचे, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी में आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी लोकेटेड, कहाँ पे आप कीजिए लोकेट है यूनिवर्सिटी, जहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने गेट स्कोर आपने पास किया हुआ है गेट का टेस्ट, तो आप जहाँ पे गेट का स्कोर डालेंगे, नहीं किया तो यहाँ पे इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। वैलिड अप टू भी आपको लिखना पड़ेगा अगर आपने जो गेट का टेस्ट पास किया है। और उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर, ऑल सेमेस्टर की डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल मार्क्स जहाँ पे फिल करेंगे, और उसके बाद मार्क्स स्कोर, आपने कितने मार्क्स लिए हैं यहाँ पे आप फिल करेंगे, और जो परसेंटेज है, और आपकी अलग से जो अकाउंट होके आ जाएगी, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, उसके बाद मार्क्स स्कोर लिखने हैं, आपने कितने स्कोर किए हैं, जैसा वर्क है आपके उसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद आप नीचे आएंगे, इसको सेव एट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं 16 एंट्री SSB डिटेल, अगर आपने SSB डिटेल आपके पास है तो जहाँ पे आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं इसको, फिर इसको आप 16A एंट्री आपको डालनी पड़ेगी नीचे, उसी के हिसाब से आपको लोकेशन भी डालनी पड़ेगी, आपने कौन सा जी एंट्री की है SSB की, कौन सी आपने एंट्री की है, यहाँ पे सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी अपने हिसाब से, ये डालनी पड़ेगी फिर आपको, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से नो भी कर सकते हैं। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने फॉर्म को, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप बैक आकर उसको सही कर सकते हैं, अगर नहीं गलती हुई तो आपको इसको डायरेक्टली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपने इसका जो प्रिंट आउट, फाइनल प्रिंट आउट लेना। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपने एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाना है, और वहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगी जो आपने फिल की है, उसका जो फाइनल प्रिंट आउट है आपने वहाँ से ले लेना है। सो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने सब प्रोवाइड करवा दी है, अगर इन्फॉर्मेशन कोई मुझसे छूट गई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ ना आया हो। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सुना जो बेल आइकन का ऑप्शन आ रहा है उसको ज़रूर प्रेस करिया करिए, ताकि जो भी हम नई वीडियो लेकर आएँ उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाए। ओके, थैंक यू गाइस।